बताया है कि वो हमें पता है उसका एक नॉर्मल वजन होना चाहिए अपनी उम्र के अनुसार और उसकी एक नॉर्मल हाइट भी होनी चाहिए। तो कुपोषण के दो मुख्य प्रकार हैं, एक है कि जिसमें हाइट की कमी हो जाती है और दूसरा एक है कि उसकी हाइट तो पनपती रहती है लेकिन उसका उस हाइट के लिए वजन कम होता है। तो जैसे ये देखा गया है जो हम अभी आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो तीसरे नंबर के जो बच्चे दिखाए गए हैं उनके बारे में कर रहे हैं और दोनों ही कुपोषण का जो प्रकार है दोनों के बारे में हमें काम करने की जरूरत होती है। पर जो दूसरे वाला है वो लंबा टाइम लगता है उसको ठीक करने में। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का जो रेसिपी है बहुत बड़ा चेंज हो गया उसमें। ऐसा भी जानते हैं कि उसमें कैलोरी और प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कैसे मात्रा दिया है और पहले पनीर ही होती थी, अब तो बहुत हो गया रेडी टू ईट, रेडी टू फूड अपना लंबी दलिया मीठा दलिया और लड्डू मीठा वाला आता है बहुत सारे चीज के लिए वो अगर उस बच्चे को मिल जाएगा। मैंने अभी भी कहा था कि जो बुंदेलखंड का जो इकोनॉमी है बहुत छोटी सी इकोनॉमी है बहुत अब रोजगार के दिन बहुत कम है। अगर उस बच्चे को नेचुरली जो बिल्कुल ग्रेन से बाहर है, अगर आप बांदा जिले का ले लेते तो अभी करीब 38,000 या 32,000 वो लाभार्थी बच्चा ऐसा है जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए केंद्र पर नहीं आता। तो सब ने जहाँ कहा था कि आंगनबाड़ी का रोल सबसे बड़ा रोल है। अगर सब ने यहाँ बांदा से ये चीज करने का हल्का किया और तो बांदा के जो बांदा का तो पूरी रीजन की बात कर रहे हैं स्पेशली बांदा के लोगों को सबका साथ देना चाहिए। वो बच्चे 32,000 एक महीने के अंदर आंगनबाड़ी के पास उनको ला दीजिए और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बता दीजिए और डीपीओ बांदा ये आपको बताएं कि 32,000 हमने जो 30,000 हमारा 25,000 जो लाभार्थी हमारे केंद्र पर नहीं जा रहे थे एक महीने में आंगनबाड़ी मुख्य का प्रयास से वो हमारे केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। सिर्फ सबसे 35,500 लाभार्थी हमारा जो अभी रीजन में नहीं आया है केंद्र पर नहीं आ रहा है उसको दिए जाए तो ये जो अनिमिया सूखापन होने के लिए जीवन सुधार आए। जो बादल सुपोषण मॉडल है इस सेम में बच्चों के चिन्हांकन को लेकर लिया गया है। हमने पहले देख लिया उसमें जो हमारे अंडर सेम बच्चे थे मैम बच्चे तो उनको चिन्हांकित किया। चिन्हांकित करने के बाद उनका ऊंचाई लंबाई से वजन लेके उसका सेम में विजुअल किया इस टाइप से पूरा मॉडल से डेवलप किया। वहाँ एक ऐसा इशू है जो वहाँ सबसे पानी की समस्या के बाद अगर वहाँ कोई इशू है तो मल न्यूट्रिशन है लेकिन वहाँ के कलेक्टर क्या किसी को पता नहीं कि ये भी कोई इशू है। तो सैलरी से हमने कहा तो वो पेपर भेज दो मुझे, उसने मुझे पेपर भेजा और मैंने और उस पेपर में उसने ये जो नरेंद्री में इन लोगों ने काम किया था नरेंद्री का मॉडल यूनिसेफ और ये जो भी बनाए थे वही मॉडल हमने किया। जब हमें ये लगा कि हम तो केवल इस बात से परेशान थे कि 47% कुपोषण मुझे तो जो सबसे बड़ा झटका लगा वो 47% के लगा मतलब कि हमारी आधी आबादी बच्चों की कुपोषित है। मैं पिछले साल आप यहाँ से दूसरे सचिव के रूप में गया था एक ड्यूटी लगाई गई थी तो मैं खीरी गया था मेरी छत पर तो मैंने वहाँ भी चीजें देखी थी। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी बिल गेट्स में एक सीईओ है एक महिला थी उसने आर्टिकल लिखी कि माइल न्यूट्रिशन से हमारी जीडीपी 2% डाउन है 2% जीडीपी डाउन। तो उस नरेनी ब्लॉक का जब मिला तो मैं यहाँ पे यूनिसेफ की एक मंडलीय न्यूट्रिशन अधिकारी थी गरिमा मैंने गरिमा से कहा कि मैं अपने बच्चों को 47% माइल न्यूट्रिशन नहीं रहने दूंगा मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े ये मैंने चैलेंज लिया। और हमने कहा जो नरेनी ब्लॉक में इन्होंने किया है उसको आठ हमारे आठ ब्लॉक आठों का प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बना के मैंने तुरंत जो नरेनी में काम करके जो मॉडल आया था उसको मैंने आठों ब्लॉक का प्रोजेक्ट बनवाया उसी लड़की से गरिमा से। फिर अब गरिमा सही बनाई खराब बनाई मुझे को तो नॉलेज था नहीं मैंने वो भेजा मैं उनके अनीता मित्रा मैडम के साथ मैंने काम किया था तो मुझे पता था कि न्यूट्रिशन में काम क्योंकि हम लोग दिन में चार बार हमारी भी वो सचिव थी तो हम लोग जाते थे तो वो कुछ अपना यही आईसीडीओ से बात को मुझे पता था। मैंने वो इसका गरिमा का प्रोजेक्ट अनीता मित्रा मैडम को भेजा हमने कहा आप मेरा चेक कर दो कि ये अच्छा बनाया है ठीक उन्होंने कहा नहीं ओके तो मेरा कॉन्फिडेंस ये बना कि जो उसने प्रोग्रामिंग की इट इज ओके और हमने उसको लागू किया।